वंशी विभूषित करा मवनी रदा पीतांबरादरुण फलाधरुष्ट पूरेन्द्र सुंदर मुखाद अरविंद कृष्णा परम किमवित त्वमहं मदो कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्रीकृष्णाय सज्जनों नित्यप्रद भगवान की कथा श्रवण करने के लिए यहाँ आते हो। श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है, वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत। जीव को भागवत अवश्य श्रवण करनी चाहिए। पाप रूपी विकार जो हृदय में बैठा है, भगवान की कथा उस पाप रूपी विकार को नष्ट करके अमृत प्रदान करती है। भगवान मानव शरीर दिया है, इसका लाभ कब मिलेगा? जब भगवान का गुणगान अपने कानों से श्रवण करेंगे, भगवान का दर्शन करेंगे, भगवान का नाम उच्चारण करेंगे, तब इस मानव शरीर प्राप्त करने का जीव को लाभ मिलता है। भगवान हर योनि में सब कुछ प्रदान करते हैं, पुनर्वित्तम पुनर्मित्तम पुनर्भार्या पुनर्मही एतस्य पुनर्लभ्यम न शरीरम पुनर्पुनः। परमपिता परमात्मा बार बार ये मानव शरीर जीव को प्रदान नहीं करती। कबहु के कर करुणा नर देहि, बड़ी कृपा होती है परमपिता परमात्मा की जब जाकर के मानव प्रभु बनाती है और यहाँ आकर के उस परमात्मा के लक्ष्य को भूल जाते हैं। क्या परमात्मा ने कहा है, कुछ स्मरण नहीं रहता है, नास्तिक बन जाते हैं, नाना प्रकार के जंजालों में फंस जाते हैं, पड़ जाते हैं। परमात्मा नाम का कोई तत्व है, बहुत से जीव इस बात को जानते ही नहीं है, धिक्कार है उन जीवों के लिए। कल हमने प्रसंग सुनाया, दीन बंधु भक्त वत्सल करुणा निधान करुणा सागर रसिक शिरोमणि रसिक रस सागर परात्पर ब्रह्म परमेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा का कारागार में प्रादुर्भाव हुआ, प्रकट हुए। प्रकट होकर के देव की वस्तु को उन्होंने दर्शन दिया, भगवान ने आज्ञा की, वसुदेव जी से कहा कि आप मुझे यहां से गोकुल पहुंचा दो, आपके सब बंधन न खुल जाएंगे। वसुदेव जी ने भगवान की आज्ञा पाई, आज्ञा मान करके सूप में रख करके वसुदेव जी उनको गोकुल पहुंचा के गए। गोकुल पहुंचा करके पुनः लौट करके आए, यथावत सब वैसे ही हो गया। जब वहां पर गोकुल में ब्रजेंद्र नंदन जब पहुंच गए, जब रोने लगे, प्रातः काल सुनंदा जी ने देखा
कि रो रही है बालिका। जब जब समीप में आई तो कहने लगी कि बालिका, अरे देखा तू, यहाँ बालिका नहीं, ये तो बालक है। किसी ने देखा नहीं, बड़ी प्रसन्न हुए, जोर से हल्ला मचाया कि हमारी यहाँ पर लाला हुआ है। इस बात को जब सुना कि लाला हुआ है, दौड़ करके पूरा ब्रजमंडल नंद भवन में इकट्ठा हो गया और जो सुनता बधाई देने के लिए दौड़ता। आज धन्य यशोदा भाग्य तिहारो जो ऐसो सुत जा, धन्य यशोदा भाग तिहारो जो ऐसो सुत जा, जाके दरस परस सुख खोजत वेद पुराण बताओ। दुरार लाल को देने नाच नचा, धन्य यशोदा। यशोदा जी की आज भी कन्हैया सो रही। आज का जो कथा प्रसंग है वह गौचारण का है, वह प्रसंग हम आपको श्रवण कराते हैं। नंद भवन में कन्हैया शयन कर रहे हैं और माँ यशोदा अपने लाल कृष्ण को जगा रही हैं, कह रही हैं, अरे लाला प्रातःकाल हो गया, कृष्ण उठो, तुम्हें वन में गौ चराने के लिए जाना है। मेरे लाल उठो, तुम्हारे ग्वाल वाल सब आ गए हैं, उठ क्यों नहीं रहे। जागी हो बनी गई मोहन, जागी हो बनी गई, जागी हो बनी गई काना, जागी हो बनी गई। ये कारण मदन मोहन तेरे कारण, मदन मोहन मन नहीं मुरलिया काना, जागी हो बनी गई। अरे कन्हैया ओ कान्हा, अरे मोहन बेटा देख भोर है गयो है, तू जगी जा कन्हैया और देख तेरे बाबा एक बहुत सुंदर बंसी लेके आए हैं, तू बा बंसी को बजा के तो देख ले कन्हैया। ओ कान्हा द्वार वाल तेरे द्वार पे ठाड़े, देगी देर बन को भई, गायन के गनवंद भूबे छाड़ दे अलसई काना, जागी हो बनी गई। अरे कन्हैया मैं बार बार बलिहारी जाऊं, अरे देख तो सही तेरे संग के सखा सब द्वार पे ठाड़े हैं और तुको बुलाए रहे हैं, सब गैया खुल खुल के यमुना जी पे जा रही हैं और तू अभी तक सो रहे हो। कन्हैया जग जा बेटा, अरे यहाँ आलस को छोड़ है कन्हैया, देखो तो सही मेरे लाला को कैसी टेव पड़ गई है, जो प्रातः काल है गयो है, जग वे को समय है गयो है और ये दाढ़ी को अपनी पीतांबरी को ओढ़ के कैसे सो रहे हो है। परंतु मेरो कन्हैया
सब दिन गैयान के पीछे बन बन में डोले है, या तू बहुत श्रम है जाए है। ये अबे सो रहे हो तो यहाँ सो मंद, और जगेगो तो जग के माखन मांगेगो, यहाँ सो में दही भी लो लो सद माखन निकाल लो। माँ यशोदा अपने लाल कृष्ण के लिए दत चलाने के लिए चली। 9,00,000 यशोदा नंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्ता सुनिर्ममंत स्वयं दधि। हजारों दास दासी पर कन्हैया की सेवा का कार्य स्वयं माँ यशोदा करती है। कर्मांतर नियुक्त आसन निर्ममन स्वयं दधि, और तू और काम में लगा दिया, तू ये कर तू ये कर, कन्हैया के लिए दधिवंश में स्वयं ही करूँगी करूँगी। दधि निर्मंथने कार्य स्मरंती तान्य गाय, सेवा भी करती जा रही है, साथ ही लाला की लीला का गान करती जा रही है। यही भक्त का लक्षण। ये हो दधि मथक कर्म गावत वान दुभन बाल के निहर खानी समझर बूंद राज क्या के वदन कमल पर मानो दरद बरसानी। एहो जजि कर्म गावत आनंद पर बात करेंगे। प्रभु वो चुरुन चले आए प्रभु भुतुरुन चली आए भुतुरुन चली आए गोविंद प्रभु भुतुरुन चली आए भुतुरुन चली आए करी रही मथानी मथानी कन्हैया। हाँ मैया। अरे तू जग गयो लाला। हाँ मैया मैं जग गयो। तो तेने ये मथानी काय को पकड़ लेनी है। मैया मोकू बहुत जोर से भूख लग रही है, तू मोकू माखन दे दे। अरे कान्हा तुकू भूख लग रही है, देख लाला मैं तेरी भूख को ही प्रबंध कर रही हूँ, मैं तेरे ताई से तो माखन निकाल रही हूँ। मैया मोकू तो बहुत जोर से भूख लग रही है, तू माखन दे दे। देख लाला सद माखन तो अभी निकलो ना है, और यदि तो कुछ जोर से भूख लग रही है तो तू भंडार घर में चलो जा, वहां से आधी सी बासी रोटी ले लीजो और बापे बासो माखन धर के खा लीजो।
मैया, मैं बासी रोटी तो खा लूंगो, परंतु बासो माखन मैं नहीं खाऊं, सद माखन को भोग लगाऊं, माखन तो मैं सदा ही लूंगो। अरे कान्हा, देख जिद्द नहीं करे लाला, अबे माखन निकलो ना, ये तो को कहां ते दे दूं। मैया मैं अबे लूंगो, यही मैं ते लूंगो, सदा ही लूंगो, ना देगी मटकी फोड़ दूंगो। अरे मटकी फोड़ देगो, बड़ी बात बनाए भी लगे हो, छोड़ देना खाली को हट, छोड़ दे, मारूंगी मैं ना माने को। तो बहुत जोर से भूख ला रही है, माखन दे दे। ना माने हो तू, ना ना माने हो, माने हो। गोली में ना उनको। देखो या पे थे दधी कैसे मैं बिनो, या पे थे दधी कैसे मैं बिनो, दही कैसे मैं बिनो, गहरे ओरी मछलियाँ दही कैसे बिनो, दही कैसे बिनो, या कि छोटे छोटे चरणन में कैसे छोटे छोटे चरण है, और कन्हैया के छोटे छोटे चरण में जो पायल बंध रही है वो कितने सुंदर ध्वनि कर रही है, और जो दही के छींटा मेरे कन्हैया के बदन पर लग रही है वो कितने शोभायमान लग रहे हैं, ऐसे जानो के मोती को श्रृंगार कर दिया हुई। चरण में पेजनिया और माथे पे मुकुट सो है, तो नाक में याद रही कैसे कही दो, कैसे कही दो। हाँ देखो तो सही, मेरे कन्हैया के शीश पर ये मुकुट कितना सुंदर लग रहा है, और ये मोर मुकुट तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, और मेरे कन्हैया की नाक में जो नथुनी है ये बहुत सुंदर लग रही है। कन्हैया बेटा तक जिद नहीं क्यों कर रहे हैं, मैं तेरे ताई अभी दही बलो अभी माखन निकाल रही हूँ। अच्छा देख मैं तुमको एक खिलौना दूँ बहुत सुंदर सा, ठीक है? आड़ी आजीर में महरी सोरा सुख को चंद दिखावे, आड़ी आजीर में रानी यशोदा सुख को दिखा। अरे कन्हैया देख बेटा कितना सुंदर खिलौना है, वो देखो देखो। मैया ये कहाँ है? बेटा ये है चंदा मामा। चंदा ले गो, चंदा ले गो। हाँ कैसा हट कर रहे हो है, देख लाला ये तो ऐसा
खिलौना है कि आते तो दूर ते ही खेलो करे हैं, ये अपने हाथ में नहीं आवेगा। मैं तो हाथ में लेके खेलूंगा। अरे हाथ में लेके खेलेगो? हाँ। बेटा ये बहुत ऊपर है, ये कैसे आ जाएगा हाथ में? चंद्र खिलौना ले से मैया मेरी चंदा नहीं देगी ना, मैं अपने सिर की बहनी को नहीं उठाऊंगा और सुरभि गैया के दूध को नहीं पीऊंगा। अरे कन्हैया, यदि तू अपने सिर की बहनी को नहीं उठावेगो तो तारी के तेरे सिर में लूलू पड़ जाएंगी, तो खींच के ले जाऊंगी जमुना जी में। मैया मोइया तो खींच के ले जाऊंगी, तो खींच के न ले जाऊंगी। अरे बड़ी बात बना रही लग गया है। और देख, यदि तो सुरभि गैया के दूध को नहीं पीवेगा तो दारी के तू बोदो है जाएगा, सब तेरे संग के सखा लड़बे में तो मारे करेंगे। मैया मोइया तो मारेंगे, तो नहीं मारेंगे। बहुत बात बना भी लगे हो। और देख ये तेरी चोटी है ना, चोटी ये चोटी छोटी सी रह जाएगी। मैया मेरी तो चोटी छोटी रहेगी, तेरी तो छोटी नहीं रहेगी। अरे और कहना करेगा तू वो तीन माल दरोना रुपए कंठ कटलाना। अरे मैया मेरी मैया कंठ कटुरा न धने मैया मेरी यदि तुम लोग को चंदा नहीं देगी ना, मैं मोतिन की माला को और कंठ के कटला को नहीं पहरूंगा। अरे कन्हैया, यदि तू अपने मोतिन की माला को नहीं पहरेगा तो दारी के तेरा श्रृंगार सुंदर नहीं लगेगा। और देख, यदि तू कंठ के कटला को नहीं पहरेगा तो दारी के रात्रि में तो तू बड़े डरावने स्वप्न दिखे करेंगे और काल ब्रज गोपी की नजर लग जाएगी। मैया मोइया तो नजर लगेगी, तो नजर ना लगेगी। मोए कहाँ लगेगी बड़ी बूढ़ी ये नजर। देख कन्हैया, तू तो मेरा छोटा सा लाला है, तू मेरे कहे ते अपनो श्रृंगार नहीं करावेगो तो मैं तो को पकड़ के अपनी गोदी में मैं ठहर के तेरो श्रृंगार कर दूंगी, फिर तू कहा करेगा? जे गाज लोट पृथ्वी पे तेरी गोद मैया। हाँ। तू मेरा श्रृंगार अपनी गोदी में बैठा के करेगी ना, मैं तो पैते छूट के भाग जाऊंगा और यह श्रृंगार को ब्रज रज में कर लूंगा। मैया लौटू ब्रज रज में लौटेगा? हाँ। अरे ना बेटा मत लौटू। ना 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 मत लौटू। अरे ना मत लौटू। अरे ना बेटा। अरे अरे कन्हैया, तू ऐसी बात क्यों करे लाला, कह तू मेरो लाला ना है? मैं मैया लालन हूँ मैं नंद बाबा को, लालन हूँ मैं नंद बाबा को, तेरा सोत Oh,
ना कहे हो तुम या मेरी। मैया हाँ। कोई ब्रजवासी मोते पूछे वो, अरे भैया कन्हैया तू कौन को लाला है? मैं तो कह दूंगा मैं मैया को लाला ना हूँ, मैं तो अपने बाबा को लाला हूँ। अरे कन्हैया तू ये बता, जब मैं नहीं होती तो तेरे बाबा तो कहाँ पे ले आते? मैया एक बात मैं पूछूं? हाँ पूछ। यदि बाबा ही ना हो तो तू कब वो नानी के नाते ले आती? हाँ, कैसी बात कर रहा है? मनुष्य का बोला है वो मनुष्य का बहलावे बोला मधुमंगल से कावे। अरे वो मधुमंगल ठीक है भैया बुलाऊं वो याकू बहला सके। अरे बेटा मधुमंगल, अरे बेटा जल्दी आ। ये आई मधुमंगल लाल जी। भैया राम राम। अरे प्रसन्न रहे प्रसन्न रहे। कैसे बुलाए? कहाँ बताऊं, आज सवेरे पे मेरो कन्हैया रो रहे हुए। रो रहा? हाँ। बालकन को काम तो रोवे कोई हो? अरे तो तुमको बताओ काय को रो रहे हो? काय को रो रहा? अरे वो तो जो है सद माखन मांग रहे हो। अरे ले आपके यहाँ माखन की का कमी? 9 लाख गैया दूध दे बालक खबा। माखन की कमी तो ना है, परंतु अभी सद माखन निकलो ना है। निकाल लो। अरे वो जिद कर रहे हो तो देख, अब माखन की बात तो छोड़ दे लाला ने, अब तो चंदा मांग रहे हो। चंदा? हाँ। आकाश को? आकाश को चंदा। क्या करे वो खेल है गो? आकाश की चंदा? हाँ। रोटी खेलने के लिए चाहिए आकाश को चंदा। चंदा खूब लगायो फंदा बारे बाल गोविंदा। काऊ को बेटा गेंद के खेले, काऊ को बेटा भड़ू कबड्डी खेले, काऊ को बेटा गिल्ली बल्ला खेले, काऊ को बेटा आंख निचोनी खेले, काऊ को बेटा किलमिल कानी खेले, मेरो बेटा तो कुटिया के पिल्ला के खेले। कुटिया के पिल्ला के अनोखो जो आकाश के चंदा के खेले वो देव। अरे तो अब तू बता कैसे दियो जाए चंदा? एक लंबो सो बांस ले लो। हाँ। और छत पे चढ़ जाओ और खटखटा दो, गिर पड़े वो चंदा। तारी के वो आकाश को चंदा बांस ते का कोई हाथ में आ जाएगा? ना आवेगो। तो आज तो नहीं है सके व्यवस्था, कल है सके। कल है सके? हाँ जी। कल कहाँ से होगी? मैं नित्य सवेरे सवेरे गोविंद स्वामी की कदम खंडी पे गैया चरा दे जाऊं। अच्छा। तो माँ चंदा सूरज तारई सब चरवे आमे। चरवे आमे? हाँ जी। कहा चरवे? घास। अरे तारी के वो तो देवता है, और देवता कोई घास थोड़े खाया करे। तो देवता को रसगुल्ला कोई ना खवावे। अरे दूर दूर। फिर तू कहा करेगा? तो मैं या मैं बांधूंगा चंदा है, जा मैं बांधूंगा सूरज है, जा मैं बांधूंगा तारई ने सबन लिया। अरे तो कन्हैया को तो चंदा चाहिए, सूरज और तारे इनको कहाँ होगा? जी तो बात है, आज तो लाला को मन कर रहे हो कि मैं चंदा ते खेलूंगा, लाला दे दियो चंदा के तू चंदा ते खेल। लाला देख के दाऊ भैया को मन अवश्य करेगा कि मैं सूरज से खेलूंगा, तो दाऊ भैया दे दियो सूरज के सूरज से खेल। और जब दोनों बालक घर में खेलेंगे तो आपको और बाबा को मन करेगा कि हम खेलेंगे, एक लंग को आप बैठ जाइयो, एक लंग को बाबा बैठ जाएंगे, और तारे ने धर लियो इतने उठको उतने इतको उठ लो। दारी के भोजन भट्ट हम सब घर के जब खेल में लग जाएंगे तो घर के काम काज कौन करेगा? काम काज की का आवश्यकता है? दही दूध जितनो होगो सब पंडित जी के अर्पण कर दीजो, पंडित जी के पेट में और अग्नि में कितनो उगार दो सब स्वाहा। अरे तो तू कोई उपाय बता दे। उपाय? हाँ। एक थारी लाओ। थारी? थारी में पानी लाओ, पानी में थारी लाओ। ठीक है ला रही हूँ। लाओ। भाजन में जल में यशोदा सुत को चंद दिखा, भाजन में
जल में यशोदा सुत को चंद दिखा। हाँ? चंदा ले उगे। हाँ? देखो पहले पंडित जी मंत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मंत्र मंत्र। और मेरे पीछे पीछे आप मंत्र बोलोगे। चंदा उतर के बीच में आ गए जामे बाय पकड़ के मुट्ठी में बंद कर लोगे। मुट्ठी को खोलोगे नहीं। मुट्ठी को खोलोगे तो चंदा लौट के चलो जाओ। ठीक। अच्छा। चंदा मामा दूर के चंदा मामा दूर के भारी बेला फूल के भारी बेला फूल के आप खाने थारी में आप खाने थारी में और हमें जिमाने प्याली में गई फूटे हरी गई फूटे चंदा गए रूठे। जाने चंदा रुटाए दिया चंदा रुटाए दिया जाने। अरे मैंने यो कही लाला चुप करते काय को रुबायो है। मैंने ना रुबायो। अरे तो चुप करते पहला है। आप तो माखन निकारो दोबारा बोलना पड़ेगो। रूठे वो तो मन के आ जाएगा मंत्र भाई पूरा थोड़ी बार बीच में तुमने करी अब मत करू। ठीक शुरू। चंदा मामा दूर के हरी बेला फूल के हरी बेला फूल के आप खामे थारी में आप खामे थारी में हमें जिमाने प्याली में थारी गई फूल के थारी गई फूल के चंदा गए रूठे थारी आई बनने के चंदा आए मरने के चंदा बाबू आओ 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 चंदा मामा आओ 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 पकड़ 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 आओ पकड़ मैं तो मैया दिखावे जा रहा हूँ। मुट्ठो मंत्र मंत्रो लौट जाओ। मैं तो मैया दिखाऊंगो। सोच ले ना मैं दिखावे जा रहा हूँ मंत्र मार दूंगो। ना मानो ना मानो थोड़ी ना मानो भयान भ्रूम फट स्वाहा। कन्हैया अब तेरो चंदा भग गया तो भग जान दे। अब तू रोवे मत चुप रह जा। मैं तो को एक बहुत सुंदर सी बात सुनाऊंगी। अरे बेटा मधुमंगल अब तू अपने घर को जा। चंदा भाग गया हम भाग में मारे थोड़ेंगे। ना है ना है अब तू चलो जा अपने घर। कैसे कैसे चले जाएंगे? अरे तो अब तू चले जा। अरे 7 वर्ष से पहले ना जाऊं तू का समीचर रहेगा। हमारी बातन ने मत सुनी हो। बातन ने ना तो नहीं कहा। हाँ ठीक है। देख कन्हैया मैं तो को बहुत सुंदर सी मीठी सी बात सुनाऊं। मैया ही सुन लो है। ना सुन रहा तो ना है तू मेरे कान सुने ना है। ठीक है देख और मीठी सी बात सुनाऊंगी और तू अपने बड़े भैया बलराम को मत सुनाई हो। ठीक है देख चंदा तीव गोरी। मैया ही सुन लो है। गोरी गोरी अरे काय को सुन रहा है गोरी है ना सुन लो। चंदा तेउ गोरी माखन तेउ कोमल आहा मैं तो को दुल्हन मंगाए तुम्ही। मैया दुल्हन काहे ते गई बहुते हां मैं तो बोलूंगा भाई बहु 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 मैया बोलूंगा मैया बोलूंगा मैया बहु बहु अरे रो दारी के बहू को रोए ना करे कोई तेरो सखा सुनेगा तो तेरी हंसी करेगा। वो थोड़ी रहे रोबे मत। अच्छा तू बहू लेगा कैसी बहू लेगा? मैया मेरी बहू छोटी यशोदा कन्हैया को नंद भवन में ले गए। आओ बेटा
तुम्हें वन में वृक्ष चराने के लिए जाना है, स्नान करा देती हूँ। माँ यशोदा ने अपने लाल कृष्ण का यमुना जल से स्नान कराया, स्नान करा करके श्रृंगार धारण करा। वो लाल रेशम की पीतांबरी माँ यशोदा ने कृष्ण के अंग पर धारण किया।